लिए बस ये टीचर नहीं रहे यहाँ, नहीं किसी स्कूल में नहीं रहे, क्योंकि जिस स्कूल में जाएगी ये यही करवाएगी। टीचर को सजा नहीं मिली तो और भी टीचरों के कान हो जाएंगे, फिर वो भी आगे को हिम्मत करेंगे ऐसा सब बोलने के लिए, हमारे दीन के नहीं है। राजश्री आप पढ़ाई करें और ऐसी वैसी बातें ना करें दीन के बारे में जो आपको पता। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में बवाल मचा हुआ है। यहाँ एक महिला टीचर पर गंभीर आरोप लगाते हुए FIR भी दर्ज कर लिया गया है। उस महिला टीचर पर आरोप है कि कथित तौर पर उसने क्लास में बच्चों के सामने इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। छात्र के परिवार की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने महिला टीचर पर FIR दर्ज कर लिया है। महिला टीचर पर IPC की धारा 323 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा और धारा 504 यानी शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना आता है। वहीं इस घटना ने UP के मुजफ्फरनगर कांड की याद दिला दी, जिसमें एक क्लास टीचर बच्चों से ही बच्चों को पिटवाती नजर आ रही है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि ये घटना पिछले हफ्ते की है। इस घटना की जानकारी जब बच्चों के माता पिता को हुई तब उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया। मेरा नाम कौसर है। हाँ, मेरा बच्चा ही पढ़ता है। मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा मेरा 7th क्लास में है और दूसरी बेटी मेरी 4th क्लास में है। अब आगे 9th क्लास वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है आगे टीचर और भी बातें कर सकती हैं। अगर पहले टीचर को सजा नहीं मिली तो और भी टीचरों के कान हो जाएंगे, फिर वो भी आगे को हिम्मत करेंगे ऐसा सब बोलने के लिए, हमारे दीन के नहीं है। उनसे ये कहा जाए सिर्फ आप पढ़ाई करें और ऐसी वैसी बातें ना करें दीन के बारे में जो आपको पता नहीं है, कि कावे का कलर काला है, कि कावे के नीचे अंधेरा है, कि आप कुर्बानी करवाते हो आपको डर नहीं लगता, कि आपका कुरान वुरान कुछ नहीं है, कि आपका गला काट दिया जाए, कि आपका हाथ काट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए और ऐसी टीचर का तो कोई काम ही नहीं है जो बच्चों में दंगा फसाद कराए। अब आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है बस, ये टीचर नहीं रहे यहाँ, नहीं किसी स्कूल में नहीं रहे, क्योंकि जिस स्कूल में जाएगी यही करवाएगी, बस छोड़ा गया है मिशन पे मुझे लगता है। वहीं दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक ये घटना पिछले हफ्ते की है। उन्होंने ये पुख्ता किया कि शिकायत के आधार पर महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं शाहदरा के DSP रोहित मीना ने दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान जारी किया है। स्कूल की टीचर के खिलाफ एक बच्चे ने शिकायत दी है, क्या है? इसमें हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई है जिसमें एक स्कूल टीचर ने कुछ रिलीजियस वर्ड्स कहे बच्चों को, तो उसमें हमने मैटर को कॉग्निजेंस में ले लिया है। फिलहाल हमारा जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर अलॉन्ग विद काउंसलर काउंसलिंग कर रहे हैं, हम इसमें लीगल एक्शन के लिए लीगल एक्शन ले रहे हैं। लीगल एक्शन काउंसलिंग के बाद हम लीगल एक्शन इनिशिएट करेंगे। एक ही बच्चा है या फिर कई सारे बच्चे? इसमें 2-3 बच्चे हैं और इसीलिए हम सबकी काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि विद ट्रू फैक्ट्स भी रजिस्टर अप्रोप्रिएट कर केस अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन। फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है, क्योंकि कथित तौर पर महिला टीचर ने अगर भरे क्लास में मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ कहा है तो वाकई में ये गलत है। इसके लिए उस महिला टीचर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जरूरी भी है। लेकिन अगर ऐसी घटना नहीं हुई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस घटना पर हंगामा मचाए हुए हैं, ताकि इस तरह के संजीदा मुद्दों को फिर से हवा न दी जा सके। बहरहाल इस मामले का सच तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, जिसका शांति से सभी को इंतजार करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें 1 इंडिया हिंदी के साथ।